वो अटेम्प्टेड सुसाइड करती है मगर कंप्लीट नहीं करती उसको. शी डजंट मेक श्योर कि दिस इज इरिवर्सिबल. व्हेन अ बॉय कमिट सुसाइड ही मेक्स श्योर दैट इट्स इरिवर्सिबल. इंटेलिजेंट सुसाइड जी, मतलब दैट इट्स कंप्लीट. अच्छा जी, मतलब वो गन शॉट से करेगा ताकि जिंदा बचने का कोई चांस ना हो, राइट? तो जो फीमेल स्टूडेंट है उसका जो ट्रेंड देखा गया है डेटा कलेक्शन के थ्रू वो ये है कि वो कोई नींद की ख्वाबावर गोलियां खा लेंगी और जिससे उनको मेदा वॉश कराने के बाद होश आ जाएगा. सही है. अच्छा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर चूंकि थोड़ा सा उसके बीच में आ जाता है, बट फॉर अ मैन इट्स डिफरेंट. तो बहुत ही एक जो है, आपको पता है, एक सैड वाकया हुआ 29 मई 2012 को. मैं यहाँ पे थी भी नहीं मेरे ख्याल में, कि मैंने वहाँ पे मक्का शरीफ में टीवी ऑन किया तो मैंने ये वाकया सुना और भी कोई बता रहा था, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि एक ही दिन में दो वाकयात हुए. दो वाकयात जी, एक एबटाबाद में हुआ और एक कराची में. तो ये काफ़ी है हमारे जो तालीम में अकाबर बैठे हैं उनको झंझोड़ने के लिए. exactly. कि हमें दो तीन चीज़ों की तरफ फौरी रुजू करना पड़ेगा. और उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़, स्कूल्स में काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें. ठीक है, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. नंबर दो, जो उस्ताद है उसका काम है बच्चे को सिखाने की कोशिश करना. वो कोशिश करे अपनी, वो ये उसका ये काम नहीं है कि उसको हर सूरत परफॉर्मेंस लानी है. वो कोशिश करे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. कोई बच्चा थोड़ी देर में सीखेगा, कोई ज़्यादा देर में सीखेगा. और देखें, इससे तो एक और पहलू भी सामने आता है. वो जो बच्चा अब्दुल मतीन, मेरे ख्याल उसका नाम है, जो एबटाबाद में था जिसका अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, कि उसने कहा कि मेरा अंग्रेज़ी का उस्ताद उर्दू का एक लफ्ज़ बोलने पर मुझे जो है वो पिनलाइज करता था और क्लास से बाहर निकाल देता था, कभी 5 रुपये जुर्माना कर देता था और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था. तो अब बच्चे हैं, बच्चों के मुंह से अब मादरी जबान है उर्दू, और उर्दू की खातिर हमने लड़के पाकिस्तान लिया. अब उर्दू का एक लफ्ज़ मुंह से निकल गया तो ऐसी क्या बात हो गई. तो वो बच्चा, अब बच्चे सेंसिटिव भी तो होते हैं ना कहीं. तो ये हमारे टीचर्स जो हैं आजकल, एक्चुअली टीचर्स ने बीएड नहीं किया हुआ, टीचर्स इतनी अजीब सी है. जी, इस पे हम बात करते हैं. एक कॉल है जी हमारे, काफी देर से होल्ड पे, वो अटेंड कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हां जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? डॉक्टर राफिया, मैं कराची से हसनैन बात कर रहा हूं. जी हसनैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूं. और आपकी खिदमत में और डॉक्टर नौशीन की खिदमत में, दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज है. और नौशीन साहिबा को मेरी तरफ से मुबारकबाद उम्र की अदायगी से. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच. तो मैंने फोन किया आपके पोल का जवाब देने के लिए. बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, इसलिए कि आपका ये सवाल सुन के मुझे अपनी मरहूमा वालदा याद आ गई, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो नहीं थी लेकिन बहुत दानिश्वर थी, और उन्होंने मिसालों से और कहानियों से तरबियत की बच्चों की. तो एक जुमला वो कहा करती थी, वो फरमाती थी कि पेट भरे कमीने और भूखे शरीर से बचो. जी हाँ, मैं अभी इसकी वजाहत करता हूँ. असल में एक ही कैफियत का दो लोगों पे अलग अलग असर होता है. डिपेंड्स कि वो बंदा खुद किस तरह सोच रहा है, कैसे ले रहा है. वेरी ट्रू, ये तो है. जिस बात को वैसे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आजमाइश मैं आजमाता हूँ, दे के भी और ले के भी. लेकिन मैं इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ अपनी माँ के हवाले से. उन्होंने ये सिखाया, बताया, पहचान बताई कि जो जो शख्स अच्छा नहीं होता, कमजोर होता है, कमीना होता है, जब उसके पास दौलत आ जाती है, पेट भर जाता है, अपने आप को जब वो गनी महसूस करता है, तो उसकी हरकतें हथकंडे ओछे हो जाते हैं, उसका रिएक्शन सोसाइटी में बुरा होता है. और वो शख्स जो साहिब जर्फ होता है, शरीफ होता है, तवक्कुल रखता है, वो उसको जब मिल जाता है तो वो और मुतवाजे हो जाता है और उस दौलत को माशरे की भलाई के लिए और खुदा की खुशनुदी के लिए खर्च करता है. ये मुझे चूंकि अपनी माँ याद आ गई, मैंने इसीलिए इस वक्त फोन किया. और एक बात और अर्ज करूंगा कि बिल्कुल खुलू से दिल से अल्लाह को गवाह करके कि आपका जो ये चैनल है, आप लोग दरअसल कोई इंटरटेनमेंट कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आपको इसकी जगह मिलेगी. तकरीबन तकरीबन माशरे के तमाम मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं बहुत खूबसूरती से, बहुत बेहतर अंदाज में, और एंकर पर्सन भी बहुत अच्छे हैं. आप हैं, डॉक्टर शहजाद हैं, जो आने वाले लोग हैं, अब ये जो मोहतरमा बैठी हैं,
क्या खूबसूरत गुफ्तगू और कितनी मुफीद करती है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। यही अर्ज करना था डॉक्टर राफिया, थैंक यू सो मच हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड अप्रिसिएशन। ये अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है ना काम आगे करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी आप बता रही थी कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। बिल्कुल, तो उन बच्चों के देखिए, अब इन्होंने अपनी मम्मी की बात याद की ना, तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की लाइफ में, और जो माँ कहती है बच्चा उसको बहुत सीरियसली लेता है। इनको इतने सालों के बाद भी आज अम्मी की बात याद थी ना। एक बात मैं बताऊं जो हमें ने फील किया मैम, वो ये फील किया कि शायद उस वक्त जब आपकी माँ आपको बता रही होती है ना, दिस इज द पॉइंट, सीरियस नहीं लेके जाते, लेकिन लाइफ के किसी पॉइंट पे आपको आपकी माँ की कही हुई बात याद आती है और कहते हैं कि शी वाज सो राइट, याद आती है और उसी तलफ्फुज के साथ याद आती है, बिल्कुल उसी तरह आवाज माइंड में गूंजती है, ओ शी वाज सो राइट, यू नो ये तो होता है जी, ये बात है। तो इन्होंने जिस तरह, अब देखे वो बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, माँ बच्चे को अक्सर सुलाते हुए कहती है मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा। ये नहीं है कि ये बातें गलत हैं, मगर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के मत करें। कभी कभार बच्चे को कह दें, मगर इतना मत कहें कि बच्चे का रिएक्शन जो है वो आपको नहीं पता। असल में ह्यूमन बींग जो है ना, इंसान जो है वो निहायत अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि ये बच्चा जो है इस वक्त क्या सोच रहा है, ये तो उसके दिमाग में है। आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, सिकंदर आजम जिसको कहते हैं, उसकी मदर ने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कहा, देखो तुम्हारे बाप ने ये भी फतह कर लिया, देखो तुम्हारे बाप ने ये मुल्क भी फतह कर लिया। वो रोज़ उसको ये बताती थी। एक दिन उसने कहा, तुम कब उठ के फतह करने जाओगे, 19 साल का था वो या 18 साल का। तो अच्छा, उसने कहा देखो तुम्हारे बाप ने तो ये मुल्क भी फतह कर लिया। बाप सामने ही बैठा था और वो खाने पर बैठे थे। इसने वही गोश्त काटने वाला चाकू उठाया और अपने बाप को चाकू मार दिया और कहने लगा, सब चीजें तुम ही फतह कर लोगे तो मेरे लिए कौन सा मुल्क छोड़ोगे। अब ये बात है कि मदर ने उसको इतना जो है कि वो ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि वो नेगेटिव सेंस में चला गया। तो बच्चे के ऊपर इतना भी प्रेशर ना डालें कि तुम बड़े होके आसमान से तारे तोड़ लाओगे या मेरा बेटा बड़ा होके सबसे आगे निकल जाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, ये बच्चे को बार बार बताइए। सही है कि एक अच्छी और सीधी इतनी मुकाबले की फजा में उसको ना डालें, ये बात तो है जी, कि वो नेगेटिव साइड पे चले। ये एग्जांपल जो है आपकी वो कुछ इस तरह लीड करिए कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं तो इंसान वो चीज अचीव करने के लिए नेगेटिव मींस भी ले लेता है, नेगेटिव मींस भी ले लेता है बिल्कुल। Okay. मेरा बेटा तो पैसे कमा के लाएगा, अब वो जहाँ मर्जी से कमा लाए कि माँ ने तो कहा था कि पैसे कमा के लाएगा। सही, और फिर माँ पूछेगी कि आपने तो सिर्फ पैसे मांगे थे, ये तो नहीं कहा था हलाल से कमा हमारा, बिल्कुल, या अच्छा आदमी बनो ये तो नहीं कहा था, या अल्लाह की बात मानो, उसको खुश करो। माँ कहती है मुझे खुश करो, हालांकि उसको ये कहना चाहिए कि तुम अल्लाह को खुश करो और तुम पूरे पाकिस्तान के लिए काम करो, अपने पूरे मुल्क के लिए काम करो। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये हम देखते हैं कि जब ये इतने बड़े वाकयात हुए तो हमें ज़रूर इन वाकयात से बचने का तदारुक करना चाहिए कि दोबारा ना हो। Exactly. तो वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है बच्चों के ऊपर क्रिएट ना की जाए। आपको पता है आपको कोई कॉल है? नहीं, वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है जी। मैं बस आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि यूके में और यूएसए में, इन दोनों मुल्कों में जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं 13 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक, वो बुली की वजह से कर रहे हैं। हाँ। बच्चे उनको बुलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, टीचर्स के बेहिस होने की वजह से, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुद की लर्निंग प्रॉब्लम्स की वजह से। राइट, तो इसलिए हमें इन चीजों का तदारुक करना होगा। और टीचर्स को तदारुक करने का तरीका जो है ना, वो हम आपसे नेक्स्ट शो में जरूर पूछेंगे। अभी बिल्कुल टाइम खत्म हो गया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था अभी ब्रेक लेने का, लेकिन पैटर्न है, क्या करें, प्रेशराइज्ड हूं। छोटे से ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल राइट बैक।